हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये आज हम बताएंगे, ये मशीन जो है ना, ये दिक्कत कर रही है काफ़ी ज़्यादा। क्या दिक्कत कर रही है ये देखिए। जैसे हम कपड़ा रखते हैं सिलाई मशीन में, और मशीन जो है कपड़ा नहीं खींचती। मशीन को चला रहे हैं हम, पर मशीन चल नहीं रही और व्हील व्हील घूम रहा है सिर्फ। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है मशीन में। जैसे कपड़ा रखते हैं व्हील व्हील घूमता है, मशीन चलती नहीं है। तो इसको करेंगे आज हम, आपको बताएंगे दोस्तों कैसे होता है ये। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ये देखिए क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है। इसको आज हम बताएंगे आसानी से। अपनी मशीन को आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, मिस्त्री के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इस पेंच को खोलेंगे। इस पेंच को खोल के एक साइड में रखेंगे, ये पेंच होता है एक, और इसको खोल लेंगे स्टॉप मोशन को। ये भी खोल लिया। उसके पीछे एक वार्सल होती है ये वाली, ठीक है। इसको मशीन को खड़ी करेंगे ऐसे, और ये जो वार्सल है ना, पहले क्या है कि वार्सल जो है ऐसे लग रही थी, इसमें जो है व्हील काफ़ी लूज था। इसको पलट के ऐसे लगाएंगे ताकि इसके जो वार्सल के जो कन्ने हैं ना, वे ऊपर हो जाएंगे और स्टॉप मोशन अच्छे से टाइट करेगा। इसको लग गई और ये स्टॉप मोशन है, इसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये मेन चीज़ है, काफ़ी टाइट रहना चाहिए। जितना टाइट रहेगा ना, ये कभी भी लूज नहीं होने का। फिर इसको ऐसे चोट मार लेंगे अच्छे से और टाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो पेंच है जो हमने खोला था पहले, इस पेंच को भी लगा लेंगे और उसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब चला के देखते हैं हम। पहले तो खाली कपड़े पे भी नहीं चल रही थी, अब क्या है हम मोटा कपड़ा करेंगे। कितना भी मोटा कपड़ा कर लियो, अब आप जींस का कपड़ा हो, कैसा भी कितना मोटा कपड़ा हो, खूब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी मशीन में। अपनी मशीन को आप आसानी से अपना आप ठीक कर सकते हैं। ये देखें, ये चल गई ना। ये दिक्कत होती है, मैंने बहुत सी मशीनें ठीक करी है, यही दिक्कत वाली होती है। ये देखिए आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों, और हमारे साथ आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।